हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंगल कर के स्वेटर की डिज़ाइन बताऊंगी। चार सिलाई की डिज़ाइन है ये, छोटा छोटा पड़ता है। जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, बॉर्डर पे किसी पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आई शो करते हैं। हमारी डिज़ाइन सीधे की तरफ से स्टार्ट होगी। पहली सिलाई सीधे की तरफ से, पहले फंदे को हम उतार लेंगे। इसके बाद एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। इसके बाद फंदे के बीच से हमको ढीला फंदा निकालना है। निकल गया, धागे को आगे करेंगे, फिर से सीधा फंदा बुनेंगे। ये देखिए, एक फंदे में हमारे तीन फंदे बन गए। फिर से धागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, फिर से हम ढीला फंदा निकालेंगे। मतलब एक फंदे में हमको तीन फंदे बनाने हैं और एक फंदा हमको उल्टा ही बुनना है। इसी प्रकार से हमारी फर्स्ट रो तैयार हो जाएगी। पहली सिलाई हो गई। अब आप दूसरी सिलाई देख लीजिए। किनारे का फंदा तो जैसे हम उतारते हैं वैसे ही उतार लेंगे, आपकी इच्छा हो तो आप बिन भी सकते हो। धागे को देखिए इधर ही रखना है, तीन फंदे को एक फंदा बुनना है हमको। ये देखिए, तीनों को एक साथ बुन लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को आगे करेंगे और तीन फंदे को फिर से एक साथ बुनेंगे। ये हमारी सेकेंड रो है, दूसरी सिलाई। इसी प्रकार से हमारी दूसरी सिलाई बन गई। अब तीसरी सिलाई देख लीजिए, थर्ड रो। पहली सिलाई, पहले फंदे हम ऐसे उतार लेंगे, दूसरी को हम ऐसे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, ये देखिए, ये डिज़ाइन वाला फंदा हमको बुनना नहीं है, ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए, फिर धागे को आगे करेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसी प्रकार से हमारी थर्ड रो तैयार हो जाएगी। देखिए हो गई। अब फोर्थ रो, चौथी सिलाई और डिज़ाइन की लास्ट सिलाई कम्प्लीटली। ये देख लीजिए, चौथी सिलाई हमको पूरा ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेना है। लास्ट सिलाई हमारी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ हमारी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। हो गई। अब एक बार आप देख लीजिए, ऐसे ही डिज़ाइन बनेगी। थोड़ा सा चेंज करना है। जिस डिज़ाइन पे हम सिंपल बिने हैं उसमें हम उल्टा बुनेंगे, जिसमें हम उल्टा बुने हैं उसमें हम सीधा बुन लेंगे। हो गई।